नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो कहानी चल रही है, उसमें कांग्रेस को लेकर चर्चा इस बात की है कि ज्यादातर विधायकों को रिपीट किया गया है। एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि विधायकों से जनता की नाराजगी है। एक तरफ करप्शन के आरोप लग रहे थे और दूसरी तरफ विधायकों के द्वारा लोगों की काम नहीं किया जाना, बात नहीं सुना जाना, अनसुनी करना और तमाम तरह की बातें चर्चाओं में थी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लगभग सभी विधायकों को दोबारा टिकट दिया है और इस बात से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में मिशन रिपीट का सपना अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लेकर चल रहे हैं, इन्हीं विधायकों के बूते पूरा करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी विधायकों को लेकर जिस तरह की बातें थी, क्या वो रुकावट बनेगी, रोड़ा बनेगी मिशन रिपीट के लक्ष्य में, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वो सत्ता में वापसी करेंगे और ये तमाम विधायक और मंत्री उन्हें इसमें मदद और सहयोग करेंगे। आज अगले एक घंटे में हमारे विशेष मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेद माथुर जी हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और गोविंद छीपा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी, गोविंद सिंह छीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्रतिष्ठा यादव जी, आपसे ही करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी ने जो विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया है, विश्वास किया है, उससे क्या लगता है कि पार्टी की जीत में ये सभी विधायक, ये सभी मंत्रीगण मदद करेंगे? क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट सबसे बड़ी कंडीशन थी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम हर हाल में ना उम्र का ध्यान रखेंगे ना किसी और बात का, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ लगातार कही जा रही थी, विधायकों से नाराजगी लगातार जताई जा रही थी, उस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है? कांग्रेस पार्टी सभी लगभग लगभग विधायकों पे सभी पे संबल दिया है, तो निश्चित रूप से जीत का आधार तो पहले था ही। और जब लगातार आप काम करते हो, क्षेत्र में सक्रिय रहते हो, तो सबको तो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी मान लीजिए किसी विधायक के प्रति, किसी कार्यकर्ता की होगी, तो वो विधायक अपने कार्यकर्ता को अपने हिसाब से खुश कर लेगा। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी के साथ में 5 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उसके आधार पर सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी चुनाव के अंदर। क्योंकि जब आप काम करते हो तो लोगों के दिल में जगह बनना आपका तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जब से वो बने हैं तब से लगातार वो जनता के बीच रहे हैं। कोरोना जैसे काल के अंदर भी मतलब आम आदमी के साथ खड़े होना, पूरे देश के अंदर कोरोना में एक मिसाल के रूप में राजस्थान सरकार ने काम किया है। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का जो योजनाएं हम लेके आए, उनके दम पर कांग्रेस के पक्ष में पूरे राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और निश्चित रूप से जब ये चुनाव होंगे, जब इसका रिजल्ट आएगा, तो 3 तारीख को ये चीजें देखने को भी मिलेगी कि पार्टी ने कितना काम किया और कितना बैलेंसिंग रहा हमारा उम्मीदवार चयन। तो क्योंकि सबको साथ लेकर चलना, सबके एक बड़ी पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत होते हैं हर विधानसभा से, लेकिन उन सभी कार्यकर्ताओं में से एक को चुनना होता है, तो वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें पार्टी ने पूरा धैर्य के साथ में डिसीजन लिया है और सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जीत के इसी के साथ में कि भाई हमारा जो प्रत्याशी है वो पूर्ण रूप क्षेत्र में सक्रिय रहा है लंबे टाइम से और जनता के बीच में जाकर काम किया है, तो उन लोगों को मौका पार्टी ने दिया है और ये एक बहुत ही शानदार जीत हमें मिलेगी हमारी सरकार के काम के दम पर, और हमारा जो चयन है वो सही साबित होगा। जी गोविंद सिंह छिपा जी, गोविंद जी, जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो निश्चित रूप से आपके जहां विधायक नहीं है या जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनसे ज्यादा इफेक्टिव हैं अपने अपने इलाके में। इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए कि पिछले 5 साल में क्योंकि सरकार थी तो वो कांग्रेस के जो भी दावेदार हैं या इस वक्त जो भी उम्मीदवार हैं उनसे ज्यादा
लोगों के काम आए हैं पिछले 5 साल में, तो जनता काम आने वाले को वोट देगी या वादा करने वाले को? देखिए मीना जी, आपकी ये बात जो है, आप कह रही हैं कि क्षेत्र में ज्यादा काम आए हैं, तो इनकी सरकार रही है, इनके विधायक रही हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन में और हर जगह हर स्तर पे इनका, इनकी दखलंदाजी कह लो या इनका एक्टिवनेस जो दिखने वाली बात है, वो रह लो तो वो तो दिखी होगी, उसमें तो हम मैं नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, जो अब तक इन्होंने 76 प्रत्याशी घोषित किए हैं विधानसभा के, इनके इंटरनल जो जिसको कहना चाहिए, एक सर्वे हुआ था जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने ही वो सर्वे करवाया था, और कांग्रेस के ही उस सर्वे में जो इंटरनल इनकी रिपोर्ट आई थी, उनके आधार पर ये इनका ये मानना था कि 60 से 70% जो मौजूदा विधायक हैं और जो मौजूदा मंत्री हैं उनके प्रति नाराजगी है इनके इंटरनल सर्वे में। और ये बात आने लगी थी कि एक बड़े स्तर पे कांग्रेस पार्टी बदलाव करके और सत्ता वापसी का जो स्वप्न वो देख रही थी। लेकिन आप जो 76 लोगों में सूची में आप देखें मीना जी, तो केवल 3 नए नामों का इन्होंने चयन किया है और 15 मंत्रियों को इन्होंने रिपीट कर दिया है, साथ ही साथ 14 विधायकों को भी इन्होंने रिपीट करते हुए, और बड़ी हैरानी की बात है जो इनकी सेकेंड लिस्ट आई है उसमें 6 निर्दलियों को इन्होंने मौका दे दिया है। अरे क्या कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का अकाल पड़ गया है? आप हमको तो कहते थे कि सांसदों को क्यों लड़ा रहे हो, उनको क्यों ला रहे हो, उनको क्यों ला रहे हो, अरे आप तो निर्दलियों को लाने के लिए मजबूर हो गए, तो क्या कांग्रेस में जिताऊ कैंडिडेट नहीं बचे हैं? और दूसरी बात करो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारी पहली सूची भी बहुत जल्दी आ गई थी और दूसरी सूची भी कांग्रेस से चाहे 1 ही घंटे पहले आई हो, हमारी किसी की सूची से कोई हमारा कंपेरिजन नहीं है। 124 जो हमने जो विधायकों के प्रत्याशी बना के उतारे हैं निश्चित रूप से। और आप देखिए कि जो हमारा जो पिछली बार जो हार का बड़ा आंकड़ा था वो शेखावाटी बेल्ट से था, तो शेखावाटी बेल्ट में हम निश्चित रूप से इस बार विजयी होकर लौटेंगे, और जो मेवाड़ में हमने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, नरपत जी को वहां पे भेजा है, उसके अलावा जो वहां के जो राज घराने को हमने जोड़ा है उनको टिकट भी दी है, और झालावाड़ में चारों की चारों जो सीटें हैं उन पे हमने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये हम कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा आगे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पूर्ण और स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में बनने वाली है। जी, तो आपने कांग्रेस की लिस्ट की बात तो बता दी, लेकिन आपके भीतर जिस तरह का विरोध और बगावत दिख रही है उस पर आपके पास निश्चित रूप से, लेकिन मैं उस पर आपसे बाद में बात करूंगी। वेद माथुर साहब, कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है पहली और दूसरी, उसको देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि लिस्ट के बाद आपसे चर्चा नहीं हुई है। ऑडियो ऑन करिए सर। आजकल जो चुनाव में जीत हार होती है वो योग्यता के आधार पर नहीं होती है, वो मैनेजमेंट के आधार पे होती है कि चुनाव प्रबंधन कौन व्यक्ति मतदाताओं को मैनेज कर पाता है, बूथ को मैनेज कर पाता है, अपने गुप्त नेटवर्क के द्वारा शराब और दूसरी चीजें बंटवा पाता है, तो ये चुनाव प्रबंधन है। अब जब आप चुनाव प्रबंधन की बात करेंगे तो जो मौजूदा एमएलए है वो किसी भी पार्टी का वो भारी पड़ेगा, तो 5 साल से सत्ता में है तो उसका एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण देना चाहूंगा चुनाव प्रबंधन का, कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के सांसद रहे हैं, उनके पुत्र आजकल विधायक हैं, तो मैंने वहां पे अनुभव किया था। अब तो आजकल पब्लिक भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गई, यदि आप छिंदवाड़ा का इतिहास उठा के देखें तो मैंने पाया कि एक साल में मुश्किल से 2 या 3 बार छिंदवाड़ा जा पाते थे कमलनाथ जी, लेकिन उनका नेटवर्क और प्रबंधन अद्भुत था। उसी से वो 50 साल से सांसद है वहां, कितनी पार्टियां हारी जीती, हवाएं आती रही जाती रही बहती रही, पर वो चुनाव जीतते रहे। तो कांग्रेस ने पहली चीज तो ये सोची है कि हम जिन मौजूदा विधायकों को टिकट देंगे तो प्रबंधन करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वो विधायक है जिन्होंने बुरे समय में सचिन पायलट का या गहलोत जी का साथ दिया, जिन्होंने सचिन का साथ दिया वो सचिन उनके लिए वीटो करेंगे, और जिन्होंने गहलोत जी का साथ दिया वो गहलोत उनके लिए वीटो करेंगे। तो
इस वीटो का भी उनको लाभ, उनके विधायकों को मिल गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कुछ भी कहें, जो व्यक्ति विधायक बन गया एक बार, दो बार, तीन बार, उसका कद तो बड़ा हो ही जाता है और वो अपने एरिया का क्षत्रप हो जाता है, अपनी जाति के लोगों का क्षत्रप हो जाता है, तो उससे बड़ी लाइन खींचना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है। यही स्थिति भाजपा की भी है। जैसे मैं अजमेर में बैठा हूँ इस समय, जहाँ दोनों विधायकों को जो चार चार बार विधायक रह चुके हैं, पांचवी बार पार्टी को टिकट देना पड़ा, तो उसका भी वही कारण था जो कारण कांग्रेस का है कि वो अपने आप में बैठ के वो हो गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ मीना जी, वो ये है कि पहले का जमाना ये था कि आपने विधायक का टिकट काट के किसी और को दे दिया, तो वो पुराना विधायक भी पार्टी के प्रति निष्ठा रख के ईमानदारी से काम करता था। आज कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा इस बात का खतरा है कि यदि विधायक का टिकट कट गया तो 90% विधायक ऐसे हैं जो बगावत करके सेबोटेज करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है इन मौजूदा विधायकों को टिकट देने। जी बिल्कुल, तो मौजूदा विधायकों को टिकट बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। तमाम सर्वेस की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया है, जिन रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसका मतलब चुनावी प्रबंधन और चुनावी रणनीति सर्वे से ज्यादा अहम और प्राथमिकता दी गई है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिष्ठा यादव। प्रतिष्ठा जी, मेरा सवाल आपसे था। प्रतिष्ठा जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। प्रतिष्ठा यादव जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका वीडियो शायद कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रही है। प्रतिष्ठा यादव जी, मैं गोविंद जी के पास वापस जाना चाहूंगी। गोविंद सिंह छेपा जी, बीजेपी में जो क्लेश इस वक्त दिख रहा है, यहाँ तक कि आप प्रदेश के अध्यक्ष के घर को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी सीपी जोशी जैसे सरल और संजीदा स्वभाव के व्यक्ति के खिलाफ, इस तरह की खिलाफत। देखिए, आप चित्तौड़ की बात कर रही हैं, चित्तौड़ से सीपी जोशी साहब चित्तौड़ से ही आते हैं और बहुत पुराना उनका संपर्क रहा है और बहुत पहले से छात्र जीवन से ही और अपने सार्वजनिक जीवन में रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई होती है NSVI से थे, बाद में हमारे विचारों से प्रभावित होकर हमारे साथ आ गए। और देखिए, हमारे साथ कोई आता है तो हम ये नहीं देखते कि वो देखिए पहले क्या है, अगर वो हमारे विचारों से प्रभावित है और हमारे साथ मेहनत करके कोई भी किसी भी पद पे पहुंच सकता है, चलिए ये विषयांतर हो जाएगा। तो इसलिए वो ये जो आप कह रहे हैं कि ओकिया साहब की और सीपी जोशी साहब का जो जो समाचार पत्रों में छप रहा है, निश्चित रूप से देखिए कोई किसी के बीच में पुरानी कोई बात होती है तो, लेकिन इसका कोई पूरे राजस्थान पे प्रभाव आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वेद जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, आपने वीटो की बात कही। देखिए, वीटो लगवाने के बाद भी शांति धारीवाल जी का, महेश शर्मा जी का, धर्मेंद्र जी का टिकट फाइनल नहीं करवा पा रहे हैं गहलोत साहब, और बहुत सारे ऐसे टिकट हैं जो जिनके लिए सचिन पायलट साहब अड़े हुए हैं। तो अभी लेकिन फिर भी जो है, जैसे डिजाइन बॉक्स को उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र दे दिया है, तो आला कमान की भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं और वीटो लगाने के बाद भी टिकट फाइनल नहीं करवा पा रहे, तो केओस कितना बड़ा है। आप ये देखिए कितना बड़ा एक ब्लंडर होने के अंदर ही अंदर जो सुबुघाट है, अंदर ही अंदर जो ज्वालामुखी है, ये उबलेगा और फटेगा। हमारे यहाँ तो जो भी है, जो भी बातें हैं, सब सामने आ रही है और सबका मनमुटाव है, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, दूर हो रहा है, लेकिन इनका जो ज्वालामुखी फटेगा ना, तब आप देखिए कि प्रदेश की राजनीति का क्या दिशा और दिशा होती है। जी, तो बीजेपी में जो ज्वालामुखी इस वक्त फट रहा है, श्याम सुंदर शर्मा जी आप थोड़ा देर से जुड़े, गोविंद सिंह छिपा जी का कहना है कि सीपी जोशी तो कांग्रेस से आए हैं, NSUI में थे पहले, अब बीजेपी में आए हैं, तो जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है उनको भी छिपा जी ये जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे कुछ लोगों के लिए, राजेंद्र राठौड़ के लिए आज भी कहा जाता है कि वो पार्टी के नहीं है, सीपी जोशी के लिए भी शायद गोविंद जी यही कहना चाह रहे हैं कि वो भी बाहरी हैं, वो भी बीजेपी के नहीं है, उनके घर में चित्तौड़ में ये जिस तरह जब हमारे यहाँ हुआ है एक... नहीं गोविंद जी, आपने अपनी बात बोली। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये है
कि बीजेपी के भीतर जिस तरह की इस वक्त पूरे प्रदेश में जो तस्वीर दिख रही है बगावत की, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर विधायकों को ही एक इम्पोर्टेंट बात कि जिसकी तरफ सवाल उठाया छिपा जी ने कि कांग्रेस ने निर्दलियों को दूसरी पार्टी से यानी कि बीएसपी से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया, दरअसल तो वो कांग्रेस के लोग थे, पिछली बार बगावत में बाहर गए थे क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली थी, और अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और सबको वापिस ले लिया, तो वैसे तो वो बाहरी नहीं होने चाहिए, वैसे तो वो कांग्रेस के लोग थे जो रूठ गए थे, चले गए थे फिर वापिस आ गए। लेकिन एक बात ये भी है श्याम जी कि जो पार्टी से बगावत करता है चला जाता है, जिसके खिलाफ डिसिप्लिन रिएक्शन होता है, जिसको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया जाता है, उस समय सीमा पूरी होने से पहले ही उसे टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, तो जो कांग्रेस का वर्कर है उस पर उसका क्या असर होगा? देखिए मीना जी, आप ये छिपा जी को पता नहीं, अभी सुरेश मिश्रा को अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने लिया है, अब वो तो कभी भी अब क्यों लिया है इनको जी बता सकते हैं? ज्योति मिर्धा अभी लाए हो आप, आपके तो बहुत काबिल लोग हैं, क्यों ला रहे हो? इससे पहले देखिएगा कि जो ममता शर्मा हुआ करती थी कांग्रेस में और राष्ट्रीय हो रही, आप ही लेके आए थे, आपने चुनाव भी लड़ा, जीती नहीं वो अलग बात है। तो देखिए आप बार बार कह रहे हो, देखिए दोनों ही पार्टियों में आजकल जो जीतने वाला, आप देखिए जीजाजी चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस से धौलपुर से, इन्होंने कहा जीजाजी को अपने पास लाओ क्योंकि साली तो चली गई हमारी, जो हमारी थी वो तो चली गई, उसने बीजेपी ज्वाइन की कांग्रेस ज्वाइन की, इन्होंने कहा जीजाजी को टिकट दो, जीजाजी को टिकट दे दिया। तो अब ये छिपाजी को पता नहीं कि इनके यहाँ पहले वाला ब्रांड नहीं रहा कि केवल बीजेपी का है तो बीजेपी में ही रहेगा, आजकल तो स्वार्थों की पूर्ति कहीं पे भी होनी चाहिए वहां नेता चला जाता है। अब बहुत सारे 50 अधिकारी और आज एक और आईएएस अधिकारी को लेके आ गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को टिकट देने के पास इनके पास है नहीं, अधिकारी है उसको 15 सीटें उनको देनी है, अब वो भी देखिए दोनों तरफ है, वो तो कह रहे कि चीफ सेक्रेटरी रहा हुआ व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, पत्नी को कहा वो हार गई तो आरपीसी का सदस्य बना दिया और खुद अभी सोजर से टिकट ले लिया। तो देखिएगा जिस तरह से राजनीति में इवेंट मैनेजमेंट का जमाना और टिकट खरीदने का टिकट बेचने का जमाना बहुत सारी चर्चाओं का विषय बन रहा है, चाहे भले ये कह दें कि हम तो समर्पण भाव वालों को टिकट देते हैं, नहीं बहुत सारे अब चुनाव बहुत हल्का नहीं रहा, बहुत पैसा खर्च होता है मीना जी, कोई साधारण व्यक्ति कहे कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा तो सपना है, कोई जमाने में था कि जो सेवा भावना की भावना से आते थे राजनीति करने के लिए, अब तो राजनीति पैसा कमाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मैंने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब मैं जीतूंगा नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं जीतूंगा तो फिर कुछ और भी करूंगा। तो ये सब राजनीति में जो जिस तरह की प्रवृत्ति शुरू हो गई है और जो सेवाभावी लोग थे वो दूर होने लगे हैं, उनका कहाँ आ गया, किस तरह का माहौल हो गया है, क्योंकि हमको हर काम के लिए अब देखिएगा मेरे क्षेत्र में ये करना है तो इतना पैसा खर्च होगा कहाँ से लाएगा, या तो वो देखिए बजरी माफिया हो या फिर खान माफिया हो, बहुत सारे माफियों के साथ जुड़े वाला व्यक्ति हो तो पैसा वहां से आ सकता है, व्यक्ति खुद तो कितनी तनख्वाह मिलती होगी, कितना क्या होता होगा, तो ऐसे में तो वो व्यक्ति राजनीति करेगा या पैसा खाएगा क्या करेगा मुझे नहीं पता, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आगे कैसा लगते हैं। तो जो कहते थे ना कि पहले ये बीजेपी के लोग हैं तो ये तो कहीं जाएंगे नहीं, इनका तो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा दल बदल के आता है, भैरव सिंह जी ने दल बदलवाया था बहुत सारे निर्दलियों को, मैंने पहली बार देखा मंत्री बने सब कुछ बने, पहले कहते थे कांग्रेस ही लाती थी लेकिन बीजेपी भी हृदय परिवर्तन हो गया, अब ये भी बहुत सारे लोगों को ला रहे ले जा रहे, निर्दलीय जितते थे वो आपको बगावत करने वाले थे वो 19 लोग बार बार रंधावा जी से मिलते थे कि हमारी क्या गलती रही कि हमको तो आप पूरे 5 साल आपने सीएम हाउस का दरवाजा बंद, हमारे यहाँ वो नेतागिरी करता था जो हमसे हमारे साथ खिलाफ जीत के आया, अब उनको वापस था अभी ठीक को 5 लोगों को तो दे दिया निर्दलियों को, वो कह रहे कि भाई वो ही थे जो कांग्रेस छोड़ के भी चले गए थे। देखिए लक्ष्मण मीणा मैंने देखा था सांसद का चुनाव कांग्रेस से लड़े छोड़ के चले गए, बस्सी से निर्दलीय जीत के आया वापस का हमारे ठीक हो संयम लोटा आपको नहीं दिया टिकट निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के आया, ओम प्रकाश हुडला बीजेपी का था वो कांग्रेस का हो गया देखो अभी देखो, और गोविंद राम मेघवाल पहले बीजेपी के संसदीय सचिव हुआ करते थे कोई जमाने में वसुंधरा जी के, है ना मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अभी अशोक जी के। तो देखिए ये सब जो स्वरूप चेंज जो हुआ है उस स्वरूप में
कार्यकर्ता बेचारा कार्यकर्ता ही बना रहता है, जो पैसा वाला है और जो अपनी शान शौकत रखता है और नेताओं को खुश करके। अब मैं कह रहा हूँ भरतपुर का जिला अध्यक्ष, अब सांगानेर से क्या मांगता था, सांगानेर से टिकट दे दिया, विरोध करने का भी विरोध नहीं कर। अब नरपत सिंह राज भी पहले चित्तौड़ जीत के आए थे, चित्तौड़ क्यों छोड़ के आए, क्यों आए भाई आप विद्याधर नगर? अब विद्याधर नगर में जीतते रहे पार्टी का, फिर चित्तौड़ चले गए वापस। और वो जो बेचारा तीन बार जीत रहा था वो कह रहा था मेरी क्या गलती रही, मेरे को क्यों हटाया जा रहा है। तो पार्टी में जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, और अभी तो और चौंकाने वाले निर्णय होंगे। देखिए अभी तक तो आपने देखा कि 5-7 सांसद उतारे पहली सूची में, दूसरी सूची में नहीं उतारे। विधायकों को निश्चित रूप से तरजीह देने का काम किया, और आपके विधायकों को और वसुंधरा जी को, जो वसुंधरा जी कह रहे मेरे नाम पर मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगी, भूल गई वो कहना। अब प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे हैं कि मेरे नाम पे चुनाव लड़ो, ना वसुंधरा जी कह रही है। वसुंधरा जी कह रही है मेरे लोगों को तो दे दो, जिससे मेरी मेरी इज्जत बच जाए और मैं कह सकूं जाके कि मैंने भी टिकट दिला ली है। जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में आपसी तालमेल होकर के दोनों ने कहा भाई, अशोक जी ने तो उनको टिकट देने दिया जो मानेसर करके आए थे, उनको सबको टिकट देने के लिए मैंने आपत्ति नहीं की। और फिर सचिन पायलट ने कहा मैंने भी आपत्ति नहीं की जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन हालांकि उनको अभी टिकट मिला नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा अभी थोड़ा संचय की स्थिति, लेकिन मेरे को लगता है मिलेगा तो सही, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और सूची जारी होने से पहले वो लीक कर रहे हैं। लेकिन लेकिन श्याम जी, अगर उनको मिलता है टिकट और अगर सितंबर 2022 की घटना वाकई में आलाकमान के अनुशासन के खिलाफ थी, उसके बाद भी अगर उन्हें टिकट मिलता है तो इसका मतलब ये तो साफ है कि पार्टी में अनुशासन या पार्टी में आलाकमान का विरोध या पार्टी में गुटबाजी, इन सब से ऊपर लक्ष्य चुनाव जीतना है। चुनाव जीत गए तो इन सब की भी भरपाई कर लेंगे, बाद में हिसाब पूरा करेंगे, अभी हिसाब जनता के सामने चुनाव जीतने का पूरा करना है। क्या यही माना जाए पुष्पा गोस्वामी जी? जी मीना जी, मैं ये अभी जो सब लोगों की बात सुन रही थी तो उससे मुझे एक चीज स्पष्ट हुई कि जो टिकट मिले हैं वो तो सारे उन उम्मीदवारों को मिले हैं जो कि जीता हुए हैं। उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, उनका आचरण से कोई संबंध नहीं है, उनका अनुशासन से कोई संबंध नहीं है। जो भी दोनों पार्टियों ने अभी वो कह रहे थे कि ज्वालामुखी फटेगा, तो ज्वालामुखी तो दोनों पार्टियों में ही फटने वाला है, क्योंकि आप अगर बाहर से किसी को लाकर बिठा देते हो सर पे, तो वो जो 6-5 साल से काम कर रहा है उसका क्या होगा? वो अगर और एक एक जगह पे 6-6 उम्मीदवार हैं जो टिकट की चाहना रख रहे हैं, तो 6 उम्मीदवारों को तो टिकट नहीं मिल सकता, एक को ही मिलेगा। और ये नया सिस्टम शुरू हुआ है कि जिसको टिकट नहीं मिला वो तोड़फोड़ पे उतार हुआ है, वो दंगे कर रहा है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ये जो पार्टी में अनुशासन की बात है वो तो बिल्कुल गायब हो गई है, कोई उसका लेना देना ही नहीं है। क्योंकि पार्टी अनुशासन जिन्होंने भंग किया उनको भी टिकट मिल रहे हैं, जिन्होंने अनुशासन में रह के काम किया उनको भी टिकट मिल रहे हैं, और हो सकता है जो अनुशासित लोग हैं उनको किसी को टिकट नहीं मिला हो। तो ये जो जैसे अभी मालवीय नगर में मान लो कितने उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि मैं 6 महीने से उनके पोस्टर देख रही हूँ कि मालवीय नगर का चहेता है, इसको टिकट मिलना चाहिए। तो वो जो 6 उम्मीदवार हैं उनको कैसे टिकट दिया जाएगा? टिकट तो किसी एक को ही दिया जाएगा ना, और अगर एक को दिया जाएगा तो 5 विद्रोह करेंगे। ये तो नया सिस्टम शुरू हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत विद्रोह होता था, कोई निर्दलीय खड़ा होकर अपना विरोध व्यक्त कर देता था, लेकिन ये मारपीट और ये सब दंगा फसाद ये तो नहीं हुआ कभी भी, ये पहली बार मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने कहा कि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि मैंने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिला दिया, मैंने सचिन पायलट के लोगों को भी टिकट दिला दिए। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिन्होंने सोनिया गांधी का विद्रोह किया उनको भी टिकट हमने देने दिए। तो ये जो आपसी तालमेल है ये पहले ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता ना। नहीं, ये तालमेल है या फिर वर्चस्व की लड़ाई है, ये तालमेल है, या फिर ये स्थापित करना है अपनी अपनी इज्जत बचानी है ये कह के कि भाई हमने इनको कॉपरेट किया है
इन्होंने हमको कॉपरेट किया है। सवाल ये है तो अभी ये जब जो सहयोग की भावना है ये थोड़ा पहले हो जाती है, गांव पर सबकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, बड़े चेहरों की भी, छोटे चेहरों की भी, राज्य के मुख्यमंत्री की भी, पूर्व मुख्यमंत्री की भी, भविष्य के मुख्यमंत्रियों की भी, भविष्य के नेताओं की भी, विधायकों की, मंत्रियों की, तमाम प्रतिष्ठा सबकी दांव पर लगी हुई है। कैबिनेट मंत्रियों को टिकट कटने का डर था, जिस तरह से टिकट आने से पहले उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, बता रही थी कि हालात क्या है। लेकिन हालात बीजेपी में जिस तरह के हैं, गोविंद सिंह छिपा जी सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपकी पार्टी में भी ऐसे हालात होंगे, आपने कल्पना की थी? नहीं, देखिए क्या है, मैं श्याम जी की बात पे आंशिक रूप से सहमत हूँ। निश्चित रूप से हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए, बड़ा दिल से, बड़े एक वास्त सोचते हुए, कि राजनीति में जो शुचिता और पवित्रता की राजनीति किसी समय हुआ करती थी, निश्चित रूप से उसका उसमें गिरावट आई है, उसमें उसका क्षरण हुआ है। और इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, हम सबका, जो कि आप पत्रकार हैं, हम राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए भी अगर आप नैपथ्य में जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से सोचेंगे, तो इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने ही की है। आप देखिए कि जब सूटकेस कांड हुआ था नरसिंह राव की सरकार के समय से, तब उससे पहले इस तरह की कोई बात हुआ नहीं करती थी, लेकिन वो सूटकेस कांड हुआ, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, वहां से इन लोगों ने शुरुआत की। और अभी की बात कीजिए तो आप इनके सचिवालय में सोने की सिल्लियां मिली हैं, और उसके अलावा जो है नोटों के बंडल मिले हैं, रीट के पेपर 24-24 लाख रुपए में सेल आउट हुए हैं। तो देखिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। शुरुआत में यही सत्ता में रहे, ये चाहते तो राजनीति को सही दिशा में चला सकते थे, इन्होंने नहीं चलाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक बगावत की बात है, देखिए हमारी बगावत तो ठीक है, पार्टी स्तर पे हो रही है, पार्टी कार्यालय में हो रही है, थोड़ी तूतू में हो रही है, थोड़ी पटाखेबाजी हो रही है, टायर जल रहे हैं, इतना ही हो रहा है ना, इनके तो इस्तीफे हो रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को मालवीय नगर से टिकट देने पे महेश शर्मा जी, जो विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और मालवीय नगर के 6 से 7 पार्षद जो हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत की है कि हम अर्चना जी के साथ नहीं है, अगर आप राजीव अरोड़ा जी को टिकट नहीं देते हो तो हम अर्चना जी के खिलाफ करेंगे। प्रियंका जी के सामने जो राष्ट्रीय नेत्री है कांग्रेस की, उनकी सभा में जब ये नारे लग सकते हैं कि सिकराए बचाओ ममता हटाओ, तो आप देखिए कि आलम क्या है, उसके बाद भी इनको टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आलाकमान बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि प्रभावहीन हो गया है। अभी आपने सितंबर 2022 का जिक्र करा, इतना केंद्रीय नेतृत्व को धता बताते हुए भी, और सितंबर 2022 के केस सबके सामने है, जनता के सामने है, उसके बाद भी उनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की हालत, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। आप देखिएगा क्या होता है, बीजेपी को लग रही है ऐतिहासिक हार, बीजेपी को नजर आ रही है। लेकिन प्रतिष्ठा यादव जी कह रही है कि हम बहुमत से जीत रहे हैं। प्रतिष्ठा यादव जी, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच जा रहे थे अकेले, एकला चलो का उन्होंने एक तरह से सिद्धांत इस पूरे पिछले समय की राजनीति में दिखाया, और साथ ही अपने सभी मंत्रियों को टिकट देकर ये भी बता दिया कि वो सबके साथ खड़े हैं। निर्दलीयों को टिकट देकर आपने पार्टी में जो है, जिन लोगों ने आपको सहयोग दिया, जिन्होंने आपकी सत्ता बचाई, आपने उनको भी अकोमोडेट कर लिया है। अब मुद्दा जिस तरह का है, अब मुद्दा ये है कि क्या ये तमाम विधायक जो हैं, वो अब जीत की गारंटी, बाकी गारंटी तो दे दी गई है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अब जीत की गारंटी ये विधायक मुख्यमंत्री को देंगे? बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल जीत की गारंटी सभी विधायक देंगे, और निश्चित रूप से जो हमारी योजनाएं हैं 5 साल तक जो जनता की सेवा की है वो हमारा कार्य रहेगा, और उसी के ब्याह पर राजस्थान के अंदर इतिहास बनने जा रहा है।
सरकार वापस रिपीट करने का रिवाज बदल रहा है राजस्थान का, और ये चीज हमें देखने को मिलेगी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी कांग्रेस की बहुत छिपा जी जो बता रहे हैं और छिपा जी की बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं पार्षदों के द्वारा लिखित में एक दूसरे कैंडिडेट के समर्थन में जिस तरह की बातें हो रही हैं, और वो भी जी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोगों में से एक है जिनके लिए पार्षद इस तरह से लिख कर दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका हिस्सा है? आप उसका हिस्सा मानती हैं इसे, या फिर इसे पार्टी के लिए नुकसानदायक मानती हैं? मीना जी मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि छिपा जी हमारी बहुत चिंता कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये मानिए कि एक बहुत ही शालीनता से मान लीजिए अपना विरोध प्रकट किया गया इस्तीफा देकर, लेकिन यहाँ तो काले झंडे और शीशे तक तोड़ दिए गए किस तरह की का जो एनवायरनमेंट पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में बना, और मध्य प्रदेश के अंदर भी देखिए इनके जो प्रभारी वहां पर मंत्री हैं वो क्या नाम है अपने यादव जी, उनके साथ भी मारपीट तक का वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया पे। तो इनको ये देखना चाहिए कि ये जो राजनीति के अंदर गिरावट का दौर आप देखिए 2014 के बाद में जिस तरह की राजनीति हुई है, मेरे ख्याल इतिहास में कभी इस तरह की राजनीति नहीं हुई। इन लोगों ने हर व्यक्ति को खरीद फरोख्त के अंदर डाल दिया, हर चुनी हुई सरकार के खिलाफ में साजिश रची, और इसका परिणाम यही है कि आज पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल इन्होंने बना दिया। इनके जहां बीजेपी की सरकार नहीं आती उस सरकार को गिराने के लिए ये पूरे 5 साल प्रयासरत रहते हैं। ये तो अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने राजस्थान की सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कर्नाटका में भी पहले हमारी सरकार थी, हर सरकार के खिलाफ साजिश रचना। तो ये जो मानवीय मूल्यों का जो हरासमेंट राजनीति में बहुत ज्यादा पहले भी अच्छा नहीं था, लेकिन जितना गिरावट 14 के बाद में देखने को मिली ये वाकई में एक सरप्राइजिंग था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3-3 जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि यहाँ हर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं ये राजनीति के अंदर बीजेपी लेके आई, जिस तरह से इन्होंने, क्योंकि देखिए ये निश्चित रूप से कि हमारे पास एक विधानसभा से में एक ही प्रत्याशी चुनना होता है चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, तो वो उसमें थोड़ी नाराजगी तो कार्यकर्ताओं की, क्योंकि इच्छा सबकी रहती है, जिस विषय जो वर्क करते हैं तो उनमें से सब में से एक को चुनना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उसके अंदर मतलब एक सामंजस्य बैठा के काम करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो पहली लिस्ट लेके आए वो इस तरह से ले आए कि ना कार्यकर्ता की पूछी और ना स्थानीय नेताओं से पूछी, जिसका एक बड़ा बवाल, क्योंकि ये भी राजनीति में पहली बार हो रहा है, विरोध होता था होता है और होता भी रहेगा, लेकिन इस लेवल पर जाकर कि मारपीट हो जाए, काले झंडे दिखाए, प्रभारी मंत्रियों तक के साथ मारपीट हो जाए, तो ये सिचुएशन इसको इंगित करती है कि आप डंडे से हाँक रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, नेताओं की नहीं सुन रहे। तो ये चीजें सामने को खुलकर आई वो इसी का था। सेकंड लिस्ट में इन्होंने काफी उस चीज को बैलेंस किया और करना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हम किसी को भी कहीं से उठा के कहीं भेज दें, वो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता की कार्यकर्ता कौन है और बीजेपी का है और कांग्रेस का है। इस तरह का एक बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ एक मोदी के नाम पर या कमल के फूल के नाम पर ही चुनाव जीते आएंगे, किसी को कहीं उठा के रख दे। तो ये जो विरोध था ये उसी का परिणति थी कि ऐसा नहीं है कि केवल मोदी के नाम पर आप जीते आएंगे, आपको कार्यकर्ताओं को भी सुनना पड़ेगा और साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये हर पार्टी के लिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अदर पार्टी, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, कार्यकर्ताओं की बात को सबको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस बनाना, बैलेंसिंग करना एक बहुत बड़ी नीड पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। तो उसको जितना पार्टी मैनेज करती है उतना थोड़ा विरोध कम देखने को मिलता है। एक चीज और भी विश्लेषक महोदय ने उठाई थी कि राजनीति केवल और केवल पूंजीपतियों की रह गई है, मैं इसको ऐसे इतना ज्यादा नहीं मानती, काफी हो गया है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे गणेश घोगरा जी को ही ले लीजिए, पिछली बार उनको जब चुनाव में उतारा तो एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता जिनके पास केवल 2-व्हीलर था और पार्टी ने उनके उनकी मेहनत को देखते उनको चुनाव मैदान में उतारा, जिसका परिणाम आज वो विधायक है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ये चीजें लागू होती है। हाँ, धन का प्रयोग काफी दुरुपयोग कहें, प्रयोग क्या
दुरुपयोग बीजेपी ने राजनीति के अंदर बढ़ा दिया है। हर चुनाव में, हर चुनाव में और हर राजनीतिक दल में वो तो 10-20% 10-20 के बीच में वो परसेंटेज है उन सीट्स का जिन पर पार्टी को धन जुटाने की जरूरत पड़ती है और उनका कमजोर जहां पर लगता है कैंडिडेट है और उससे बड़ा मजबूत कैंडिडेट अगर पार्टी में सहयोग कर सकता है तो उसे भी मौका देना चाहिए। ये इतिहास रहा है राजनीति का, भारतीय राजनीतिक दलों का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी दूसरे दल हो। इसलिए ये बात आपकी जो है वो समझ में आती है, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरह से वेद माथुर जी, जिस तरह से प्रतिष्ठा यादव जी कह रही हैं कि भाई हमारे यहाँ तो थोड़ा थोड़ा पार्टी के कार्यकर्ताओं का रिएक्शन स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हो सकता है, लेकिन बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही जिस जबरदस्त ढंग से उनके घर में जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया वो अपेक्षित नहीं है। देखिए मीना जी, ये चित्तौड़ का उदाहरण एक परफेक्ट उदाहरण है भारतीय राजनीति के लिए, जो बताता है कि सत्ता एक ड्रग है, नशा है। तो चित्तौड़ के विधायक, मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इस सत्ता की ड्रग का आनंद ले लिया। अब आप जब उनके हाथ से वो ड्रग छीनेंगे तो वो तड़पेंगे। आप जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही है उनको मेरा ये कहना है कि आपने यदि ये सत्ता की ड्रग किसी मंत्री या विधायक के हाथ से छीनी होती तो फिर उसकी तड़पन देखने को मिलती। तो इस मामले में दोनों पार्टियों की स्थिति कमोबेश बराबर है। जिन जिन के हाथ में सत्ता है, सत्ता का सुख है, चाहे वो कांग्रेस है। अच्छा, इसके लिए मीना जी मैं दोनों पार्टियों को दोष नहीं दूंगा। ये समाज से, जैसे ये हमारे समाज इसके लिए दोषी है। हमारा समाज ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रहा है जो लालची हैं और उनको सत्ता में आके लाभ कमाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज कई पार्टिसिपेंट्स ने एक शब्द यूज किया, ज्वालामुखी फटेगा। तो कोई ज्वालामुखी फटने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि कितने ऐसे असंतुष्ट नेता हैं जो निर्दलीय खड़े होकर 5,000 वोट ला सकते हैं, आप बताएं। अच्छा, वो खुद उम्मीदवार भी जानते हैं, जो तथाकथित भागी उम्मीदवार हैं या जिनको मतभेद है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम निर्दलीय खड़े हो गए तो हमारी जमानत जब्त होगी और बंद मुट्ठी सवाल की और खुल गई तो खाक की, तो इसलिए वो खड़े भी नहीं होंगे चुनाव में। तीसरी बात, ये जितने लोग बगावत की बात कर रहे हैं या जिनको टिकट नहीं मिला वो विरोध कर रहे हैं, इनमें 99% लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में वो राजनीति से लाभ ले रहे हैं। तो उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो बागी विधायक बन जाए और उसके बाद बीजेपी या कांग्रेस सत्ता में आए तो उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। तो ये तो 90-99% ऐसे लोग हैं, कोई ज्वालामुखी फटने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, लोगों की जड़ें कमजोर है। आज मैं एक बात और आपको कह रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी आदमी ने 20 साल तक सेवा कर ली, गुरुद्वारे में जैसी सेवा होती है उस तरह की सेवा किसी ने कर ली, तो उसको राजनीति से नफरत हो जाएगी। वो कहेगा जी मुझे करना जाना ही नहीं राजनीति, मैं सेवा ही करूंगा, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। तो सेवा है कहाँ? और राजस्थान के बारे में आपको एक बात खास तौर से पहले भी बोली, आज फिर बोलूंगा, कि यदि कोई भी यहाँ का नेता ऐसा नहीं है जो जाति को माइनस कर दे और पार्टी को माइनस कर दे, 1,000 वोट भी लिया है वो, 5,000 वोट तो बहुत बड़ी चीज है। जाति माइनस कर ले, पार्टी माइनस कर ले, और जो समझदार राजनीतिज्ञ है वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो थोड़े दिन में विरोध विरोध जो हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, जिनके हाथ से आपने सत्ता की ड्रग या सत्ता का नशा छीना है वो तड़पेगा। आजकल बच्चों को मोबाइल का शौक हो गया, आप उसका हाथ से भी मोबाइल छीन लेंगे तो वो बिल्कुल हिंसा पे उतार हो जाते हैं बच्चे, 5 साल के 6 साल के बच्चे मारपीट करने लग जाते हैं माता पिता के साथ। तो वो स्थिति कुछ दिन चलेगी, फिर जब कुछ नहीं मिलेगा तो चुप बैठ जाएंगे। जी वेद माथुर साहब, आपकी बात में दम है, लेकिन एट द सेम टाइम फैक्ट शीट ये भी बताती है कि कुछ निर्दलियों के साथ पार्टी दबे सुर में पीछे से खड़ी होती है, जो बागी होते हैं, बगावत करते हैं उनके साथ, और इसलिए वो बागी और बगावत करने वाले पार्टी से अलग होकर निर्दलीय या किसी दूसरे दल के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं तो जीतते भी हैं। ऐसे उदाहरण कम है, लेकिन 2018 का चुनाव राजस्थान का हो, चाहे देश के अलग अलग राज्यों के चुनावों की ऐसी तस्वीर देखें,
प्रतिशत कम है लेकिन है जरूर, और वो जो प्रतिशत है वो पार्टी के ही लोगों के सपोर्ट सिस्टम से ही डेवलप होता है, और इस चुनाव में इस सपोर्ट सिस्टम की बात सबसे ज्यादा हो रही है, चाहे वो बीजेपी में वसुंधरा समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस में अशोक गहलोत या सचिन पायलट समर्थक हो। तो अब जो ज्वालामुखी कह रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, या जो थोड़ी बहुत संभावना है या जो थोड़ी बहुत आशंका है, यहाँ पे मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, संभावना एक पॉजिटिव शब्द है और आशंका एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन संभावना उनके लिए जिनको लगता है कि हमें जब हमारी 90-95 सीट आए, देखिए राजस्थान की राजनीति के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि उनको 120 मिले कि 115 मिले, वो तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें 90-95 के बीच मिले और उसके बाद सत्ता की चाबी उनके हाथ में आए। ऐसे में 5-10 निर्दलीय अगर जीत कर आते हैं तो हमारा सपोर्ट सिस्टम, वो भी उन्हीं से निकले हुए, इसलिए जहां इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने निर्दलियों को टिकट दिया या उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने सहयोग किया, तो यहाँ से भी 5-7-10 जैसे राजीव अरोड़ा जैसा नाम है, जैसे अभी महेश जोशी, शांति धारीवाल का नाम आया नहीं है अभी, तो आता है तो किस तरह से आएगा वो देखने को मिलेगा। मुद्दा ये है कि इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है राजस्थान की, आपकी बात में बहुत दम है कि इस प्रदेश में और इस देश में ऐसे राजनेताओं का अकाल है जो समाज सेवा या लोगों के बीच में रहकर राजनीति कर रहे हो और किसी पार्टी किसी धन बल के बिना चुनाव जीत भी रहे हो। एक दो उदाहरण हमेशा अपवाद के रूप में रहते हैं। सवाल ये है पुष्पा गोस्वामी जी कि इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की, उस पूरी दोनों की लिस्ट को देखने के बाद आपको अब चुनाव की तस्वीर क्या नजर आ रही है? पुष्पा जी हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं, आपने मुझसे प्रश्न किया। जी हाँ। जी जी पुष्पा जी, मेरा तो, सवाल ये था कि इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है आपको राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, कांग्रेस ने जिस तरह से बागियों को जो बचाने की कोशिश की है कि बागी ना हो किसी भी तरफ से, दोनों तरफ दोनों धड़ों ने अपने अपने जो लोगों को एडजस्ट किया है, और जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी इग्नोर किया है, तो आपको इस वक्त कांग्रेस की इस लिस्ट से जो कॉम्प्रोमाइजिंग नजर आ रही है सर्वेस के आधार पर, और बीजेपी की लिस्ट जो सर्वेस के आधार पर अप टू मार्क बताई जा रही है, आपको तस्वीर क्या दिख रही है इस वक्त? मीना जी, तस्वीर जो है वो ऐसे अभी शायद एक महीने का समय है, थोड़ा एक दो दिन कम ज्यादा, तो जो तस्वीर है वो अभी क्लियर नहीं होगी। अभी जो तस्वीर है वो ताजा तस्वीर तो ये है कि अभी तो जो टिकट जिनको नहीं मिले हैं वो असंतुष्ट हो रहे हैं, जिनको टिकट मिल गए वो अपने काम में लग रहे हैं, तो ये जनता किसके पक्ष में जा रही है ये अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। ये तस्वीर जो है वो एक आध हफ्ते में साफ होएगी। उसके अलावा जो अभी मैं एक थोड़ा सा ज्वालामुखी वाली बात पे आ रही हूँ कि ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने विद्रोह की आशंका जताई थी, जिन लोगों के विद्रोह की आशंका जताई जा रही थी, उन लोगों के भाई बंधुओं को टिकट मिल गए तो उन्होंने अपना रास्ता दूसरा अख्तियार कर लिया कि ठीक है जिनको टिकट मिले उनके साथ हम मिल बैठ के बात करेंगे और इस तरह से हम अपना गणित बिठा लेंगे। तो बात तो यहाँ गणित बिठाने की है कि सत्ता में कोई भी आएगा तो वो गणित बिठा के ही आएगा। इसके लिए उसने अपने अपने 10-15 निर्दलीय विधायक चुन रखे हैं और जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनके जीतने की जो उन्होंने सूची बना रखी है, 5 सर्वे हुए हैं। अब 5 सर्वे में किसी सर्वे में कोई आगे आ रहा है, किसी सर्वे में कोई आगे आ रहा है और किसी में कोई आगे आ रहा है। ये ऐसा नहीं है 5 सर्वे जो है वो सारे के सारे एक साथ एक ही उम्मीदवार को जिताऊ मान रहे हैं। तो जो जिताऊ उम्मीदवार थे उन्हीं पे दाम लगाया गया है, और जो जिताऊ उम्मीदवार है वो कितना अपने आप को साबित कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन
अभी जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अभी तो जनता भी उहापोह में है, ये क्या हो रहा है, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है दृश्य जरा अटपटा सा दृश्य है। पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य कि आप तो कांग्रेस के विरोध की बात करें, कांग्रेस में भी विरोध हो रहा है और बीजेपी के तो अध्यक्ष के घर पे आप पत्थर मार रहे हैं। तो पार्टियां तो दोनों ही एक सी हैं, क्योंकि राजनीति का जो चरित्र है वो ऐसा ही हो गया है। आप मुझे टिकट दो, मैं जीतूंगा और मैं फिर अपना काम करूंगा, मैं आपका भी काम करूंगा। तो ये जो सहयोग वाली बात है ये शुरू से क्लियर है, और ये तू भी खा और मुझे भी खाने दे वाली जो स्थिति है उसकी तरफ ये इशारा कर रही है। तो जो असली उद्देश्य क्या है कि हमको तो सत्ता में जी श्याम सुंदर शर्मा जी काम करें, अभी कांग्रेस की बड़ी लिस्टानी बाकी है, हमको अंततः सत्ता में आना है, अभी बड़ी लिस्टानी बाकी है, उसके बाद तो दृश्य और भी बदलेगा। अभी जो दृश्य है वो मतलब हमारे लिए थोड़ा धक्का खाने वाला है, इसके बाद जो लिस्ट आएगी और उसके बाद जो हाहाकार मचेगा वो एकदम अलग ही होगा। क्योंकि ये मैंने जैसा आपको कहा कि आजकल जो है राजनीति में आने की ललक इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो ललक, क्योंकि आप उससे पैसा भी कमाते हो, आप उससे प्रतिष्ठा भी कमाते हो, तो जो प्रशासनिक सेवा के लोग है वो भी इसमें आ रहे हैं, जो छुटवैये नेता थे वो ऊपर आ रहे हैं। राजनीति में आने की ललक बढ़े ये तो अच्छा है, क्योंकि राजनीति में तो आना ही नहीं चाहते अच्छे लोग। राजनीति को लेकर एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि राजनीति में अच्छे लोगों की, सरल लोगों की जगह नहीं है, धन बल के बिना चल नहीं सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा ये है कि एक एक पूरी पार्टी ब्यूरोक्रेसी के रूप में आप पूरी करते हैं, जैसे निरंजन आर्य जैसे नाम है, केसी वर्मा जैसे नाम है, और भी अनगिनत नाम गिनाए जा सकते हैं। तो आप मैडम इसमें मीना जी एक इम्पोर्टेंट बात है, मीना जी जी वेद माथुर जी, हाँ मीना जी एक महत्वपूर्ण बात यह है, जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है कि कोई ईमानदार अफसर होता है वो फुटबॉल की तरह 50 उसके ट्रांसफर होते हैं, उस बेचारे अच्छे आदमी को कोई टिकट नहीं देगा। ये जो लोग ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आ रहे हैं ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने खाया कमाया है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके गलत काम किए हैं, तो वो बदले में उनको अपना प्रतिफल दे रहे हैं कि ठीक ना आपने हमारे कहने से गलत काम किए और हमारी पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं आप, जबकि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, बदले में हम आपको एक टिकट का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के चुनाव में इस बार एक इस तथ्य को भी आप सामने रखें, ये सच है, ये कड़वा सच है जो कांग्रेस के प्रवक्ता को पचेगा नहीं, कि कांग्रेस के अंदर गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही खेमे ये नहीं चाहते कि कांग्रेस दूसरे के लोग ज्यादा आ जाए और फिर जीते। कांग्रेस भले ही हार जाए लेकिन यदि जीते तो हमारे लोग ज्यादा जीते, हमारे ग्रुप के लोग ज्यादा जीते ताकि हम मुख्यमंत्री बन जाए। अब मीना जी ने एक बात कही वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मेरी बात पे मैं अभी भी कायम हूँ कि यहाँ पे बहुत कम सूरमा ऐसे हैं जो निर्दलीय रह के चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मीना जी ने कहा इसके कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद इसलिए हैं कि उनको ऑक्सीजन जो मिलती है इन इस तरह जो जीतते हैं वो उनको मीना जी ने हालांकि संकेत किया है, पर वो स्पष्ट है कि सचिन पायलट ग्रुप के किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई निर्दलीय जीतता है तो आप निश्चित माने कि गहलोत जी का जो खेमा है उसने उसको आर्थिक मदद की है और सब तरह की मदद की है, न केवल आर्थिक, वो चुपचाप पैसे पहुंच जाते हैं वहां पे। मैं एक चुनाव के अंदर एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बैठा हुआ था तो मुझे पता लगा ये बात है 20 साल पुरानी कि एक असंतुष्ट बड़े नेता थे जैसे आज सचिन पायलट है या वसुंधरा जी है, उस तरह के बड़े नेता ने घर बैठे निर्दलीय को 10 लाख रुपए भेजे भाई आप ढंग से चुनाव लड़ना और वो जीत भी गया निर्दलीय। तो ये इस तरह का कुल मिला के घालम घेल चल रहा है और ये दोनों पार्टियों में जो भी कुछ है वो सामने है इसको अभी फिलहाल। एक बात आपने मीना जी पुष्पा जी से पूछी थी कि किस पार्टी का आपका आकलन क्या है, तो पुष्पा जी ने उसका जो जवाब दिया वो अपनी जगह सही रहा होगा, लेकिन मैं अपनी राय भी देना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी सर्वेक्षण आए हैं जो चैनल्स ने किए हैं जिसमें आपका चैनल भी शामिल है, एबीपी न्यूज का चैनल है और भी कुछ सर्वेक्षण आए हैं और सट्टा बाजार,
इन सब का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को 120 प्लस सीटें मिलेंगी। अब मेरा, मैं इसको एंडोर्स करता हूं, मेरा ये मानना है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं ये भी ऐड करूंगा कि इस बारे में रिसर्च होनी चाहिए, शोध होना चाहिए चुनाव के बाद यदि कांग्रेस हारती है तो, कि बिजली के माफ बिल माफ करके या दुनिया भर की लोक लुभावन योजनाएं लाके सरकार को दिवालियापन की स्थिति पे लाके भी आप जो योजनाएं लेके आए उसके बावजूद आप हारे और बुरी कदर हारे, तो क्यों हारे? तो इस पे रिसर्च होनी चाहिए। आप भी इस पे कोई डिबेट कर कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। 2019 के चुनावी लोकसभा के नतीजों के बाद जब बीजेपी को सफलता मिली तो देश के प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आप लोग कुछ लोग रिसर्च करिए कि हमारी जीत क्यों होती है, हमारा चुनावी मैनेजमेंट क्या है, चुनावी प्रबंधन क्या है। किसी पत्रकार को उन्होंने इसके लिए रिसर्च के लिए स्पॉन्सर किया कि नहीं किया, या फिर उस पत्रकार को साल दो साल की छुट्टी दिला के उस पर रिसर्च करने के लिए समय दिया, वो एक अलग बहस का विषय है, क्योंकि राजनेता तो अपना कह कर निकल गए, लेकिन एक पत्रकार की आजीविका तो उसकी नौकरी प्रबंधन है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, जो बात आपने कही उसी की बात को मैं आगे बढ़ा रही थी कि ये बात 2019 में भी कही गई थी और 2023 के चुनाव के बाद भी अगर रिसर्च की जाए तो रिसर्च करने वाले वो लोग कौन होंगे वो देखना होगा। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस की लिस्ट में जिस तरह से मंत्रियों और विधायकों को रिपीट किया गया है, वो कांग्रेस पार्टी के नतीजों को किस तरह प्रभावित करेंगे? देखिए मीना जी, ये तो ये हुआ कि अशोक गहलोत ने जो विश्वास दिलाया था कि मेरी सरकार को बचाने में आप सब रहे साथ में, तो उसका वादा पूरा किया, आप जीते ना हाँ जीते, तो उनकी जिम्मेदारी है। अब अशोक गहलोत की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, उन्होंने को टिकट दिलाने तक की जिम्मेदारी, बाकी तो जीतना नहीं जीतना उनकी बात है, पब्लिक ये दावा नहीं कर सकते किसी भी पार्टी के लिए कि वो जीत रही है, वो इतनी सीट आ रही है। जी हाँ, वेद प्रकाश जी, हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही है श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मैं कह रहा था कि हमारा दावा तेज करो, माइक तेज करो, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है श्याम जी, माइक के लेवल बढ़ाओ। अभी मीना जी जो भेद जी कह रहे थे अभी भी आप जूझ रहे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं इतनी देर में। जल्दी से गोविंद जी से प्रतिक्रिया लेती हूँ। श्याम जी आप अपना ऑडियो ठीक करिए, आवाज बढ़ाइए ताकि जनता आपको ठीक से सुन सके। गोविंद सिंह छिपा जी, आप बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि कांग्रेस में इस्तीफे हो रहे हैं जी। श्याम जी आवाज आ रही है, गोविंद जी से मैंने सवाल कर लिया है, आपके पास सेम आपका सवाल वही रहेगा, जवाब आपको देना है, लेकिन गोविंद जी से बात करके आ रही हूँ। तो गोविंद जी, आपको बहुत चिंता है, कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे हो रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है, बीजेपी में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता आपको नहीं है? मीना जी, केवल इस्तीफे तक बात सीमित नहीं है। देखिए अभी जो वेद जी ने कहा था, वेद जी ने चलो एक बात तो हम दोनों पार्टियों के लिए अच्छी कह दी कि कोई भी निर्दलीय लड़े उसमें ज्यादा दमखम नहीं होता है, 5,000 वोट भी नहीं जुटा सकता कोई निर्दलीय। लेकिन वेद जी देखिए, ये 5,000 वोट तो खेल बिगाड़ देते हैं। आप जानते हैं कि अगर 150-200 वोट भी निर्दलीय अगर इधर उधर कर देता है तो जीत हार का निर्णय हो जाता है उसमें। लेकिन मैं आपको उस बात से सहमत हूँ कि किसी भी पार्टी से अगर कोई बगावत करके निर्दलीय लड़ता है तो उसका न केवल राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाता है और उस पर प्रश्न चिन्ह भी हमेशा दोनों पार्टी किसी भी पार्टी में देखिए हमेशा एक व्यक्ति की साख होती है। और मीना जी मैं आपकी उस बात पे आता हूँ कि एकला चलो रे, आप देख लीजिए जितने भी पोस्टर बैनर होर्डिंग लगे थे केवल और केवल अशोक गहलोत जी की फोटो थी, किसी और मंत्री की फोटो नहीं, किसी केंद्रीय नेतृत्व की कोई फोटो नहीं। ढाई ढाई पेज के अखबारों के विज्ञापन आते थे तो केवल अशोक गहलोत। तो ये लोकतंत्र की बात जो प्रतिष्ठा जी कर रही थी, मैं इनको याद दिलाऊं क्या आपातकाल, मैं इनको याद दिलाऊं क्या इनको अशोक गहलोत जी की सिंगल सिंगल पेज के फोटो जो आ रहे थे? लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता है मैडम, लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना होता है, सबका साथ सबका विकास की बात करनी होती है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी बात की, अब मैं आ जाता गोविंद जी प्रतिष्ठा जी रुकिए, गोविंद जी आप खाली अखबारों के एड देख रहे हैं, आप तो टेलीविजन की स्क्रीन देखिए देश और दुनिया की,
जहां नरेंद्र मोदी जी की फोटो जब होती है तो आसपास कैबिनेट मंत्री भी नहीं नजर आ सकते, ये सख्त निर्देश होते हैं। बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे, ये मुद्दा नहीं है विषय बहस का। श्याम सुंदर शर्मा जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर हम किसी पार्टी को जिताने का काम तो इस चैनल पे नहीं करना चाहिए। अब सर्वे तो अपने अपने तौर तरीके से 120 सीटें डिक्लेयर भी कर दी, किसी को कितना कर दिया। अभी तो देखिए पूरी तरीके से उम्मीदवार भी मैदान में नहीं आ पाए, कितने बागी कितने क्या है, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन बोतल में जाएगा या कौन हाथी पे जाएगा, अभी कुछ अभी स्पष्टता तो नहीं है। हम कह दे कि भाई अब देखिए, मैंने तो भी देखा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, वो हमारे यहाँ से सांसद था, आपको छिपा जी पता होगा ना पुराना जमाना, और आपके ही सांसद भगोरा और बहुत सारे थे जो कि नरसिंह राव की उसमें आए थे, तो आप भी कह रहे थे ना हमारी पार्टी में बहुत कुछ है, तो पार्टी में बहुत कुछ है, अंदर विस्फोट है, आपको पता नहीं हो तो जानकारी करा करो, क्योंकि वो राज्य से सांसद हुआ करते थे लक्ष्मण बरू, हमने उनको निष्कासित कर दिया था। अरे छिपा जी जरा सुन तो लो, मैंने आपकी बात सुनी उसके बाद ही मैंने कहा कि बीजेपी, ये तो आप कह रहे हो लेकिन लोग पता है सारी बातें, तो इसलिए निश्चित रूप से अभी थोड़ा इंतजार कीजिए मीना जी, हम अभी रिजल्ट डिक्लेयर करने की स्थिति में इसलिए नहीं है। देखिए अपने अपने चैनल अपने अपने निश्चित तौर से कहते होंगे और कितने लोगों तक पहुंच करके रिजल्ट देते होंगे ये भी आपको पता है, क्यों देते होंगे ये भी आपको पता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जनता फैसला करेगी। और निश्चित रूप से निर्दलीय कितने जीत पाएंगे, अभी तो हम कहने की स्थिति में नहीं निर्दलीय कितने आ गए, क्योंकि निर्दलीय अभी खड़े ही नहीं हुए, और किस पार्टी में बगावत, अभी तो बगावत प्रारंभिक तौर की है, अभी बगावत हुई कहां है, अभी तो सीटें डिक्लेयर हुई नहीं, अभी तो विवादित सीटें तो अब डिक्लेयर होनी दोनों पार्टी की, अभी तक अब होगी और उसके बाद कितने लोग बागी खड़े होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने पीछे से बहन भाई वाला रिश्ता निभाया जाएगा नहीं निभाया, अभी कुछ है नहीं पता, इसलिए अभी राजनीति में अस्थिरता का माहौल जो इस बार देखने को मिल रहा है, और मैं देख रहा हूं कि पार्टी में राज्य का नेतृत्व बहुत कमजोर है, दोनों ही पार्टी का निर्णय दोनों केंद्र से हो रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं जो कह रहे ना राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं दे पाना, क्योंकि केंद्र में पहुंचता कौन है, वही पहुंचता है जो कि ठीक ठाक होता है। अब सर्वे तो 5 कराए थे कांग्रेस ने, परिणाम तो वही आ रहे हैं जो आना है, कोई सर्वे के ये क्या सारे मंत्री ठीक थे क्या, सारे विधायक ठीक थे क्या, निर्दलीय सब ठीक थे क्या, सबको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं देंगे तो ये बगावत करके हरा देंगे। अब हारो जीतो तो ये ठीक है, ये चुनाव तो लड़ेंगे कम से कम, बाकी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, इसलिए कांग्रेस ने मजबूरी में जो राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने किस प्रकार से निर्णय किया वो मुझे नहीं पता, क्यों निर्णय किया ये भी आपको पता है बहुत सारी चीजें अभी, क्योंकि अभी तो खुलने दो राज, कोई किसके ऊपर आरोप लगाते हो तो लगाए, क्योंकि अब है बीजेपी में भी कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात है कि राजनीति में जो ओछापन और जो स्थिरता गिरा है, जो आज तक ये कहते थे कि हमारे तो कर्मठ कोई हम देते हैं, रोज बदल रहे हैं, दल बदल कानून भी लाए थे, हम तो पूरे इस्तीफे दिला करके सरकार बदलने का काम कर देते हैं, तो ये जमाना बदल गया है, अब इवेंट मैनेजमेंट का ज्यादा है, अब सेवाभावी नहीं है, अब तो केवल माफिया कितने सारे से कौन जीत के आएगा और कितना उनको सफल करेगा वो बातें अलग होती है, इसलिए अब राजनीति वो नहीं है जो कि पहले सुचिता और सब कुछ होता था कि कार्यकर्ता का काम करने वाला। इसीलिए तो हम सब लोग चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम राजस्थान और देश की जनता के बीच इन सब विषयों को लेकर जा रहे हैं, इसीलिए तो हम जनता के सामने लोगों का नेताओं का रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, इसीलिए तो हम जो कुछ हो जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, सच क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना फैसला कर सके। आजकल चांदी सोना और पता नहीं क्या क्या उगल रहे हैं, कभी बस बोल रही कोई किस तरह, इसका मतलब है कि राजनीति के लोगों का आश्रय संरक्षक मिलता है सबको, वो जनता ही तो है जो इन छोटे छोटे स्वार्थों में उलझ कर अपने वोट की कीमत नहीं समझ पाती है। जब तक जनता डेमोक्रेसी में जब तक जनता अपने वोट की अहमियत नहीं समझेगी, उसे छोटे से स्वार्थ के लिए बेचेगी, तब तक हमें राजनीति का ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा जो हम देखना चाहते नहीं है। बात जहां तक वेद माथुर जी के प्रेडिक्शन की है, तो चुनाव से पहले एग्जिट पोल करने वाले या राजनीतिक विश्लेषक लोग जो चुनाव से पहले आंकड़ा देते हैं मायने वही रखता है श्याम सुंदर शर्मा जी। अब वेद माथुर साहब इतना पहले चुनाव से भी 1 महीने पहले आंकड़ा दे रहे हैं,
एक महीने बाद जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उस दिन पता चलेगा कि वेद माथुर साहब की कैलकुलेशन कितनी सही थी, उनका प्रिडिक्शन कितना सही था या कितना गलत था। लेकिन प्रिडिक्शन करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। हालांकि हम क्योंकि बतौर पत्रकार हम ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, हम जो कुछ दिख रहा है उसे सामने लेकर आने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और इसीलिए जनता से हर दिन अलग अलग विषयों पर संवाद करते हैं। अब जनता को तय करना है उन्हें किस रास्ते पर जाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल शाम न्यूज 24 पर 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।